सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आज मेरे को एकदम ब्लॉग बनाने का दिल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि क्या ही बोलूँ मैं, एकदम मन नहीं है। अब तो मन ही नहीं करता कि ब्लॉग हम डालें या ब्लॉग हम बनाएं बोल के, लेकिन आप लोग कुछ लोग मुझे सपोर्ट किए तो हमें मुझे बताया कि रजनी वैसा मत करो। तो फ्रेंड, आज के बाद मैं किसी के बारे ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, सिर्फ अपने बारे ब्लॉग बनाऊंगी और अपने परिवार, अब मजे जो जो करूंगी मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, मैं कहना चाहती हूँ अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, अगर नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं। आप लोगों को मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग करो। और देख सकते हो मेरा हाल बहुत बुरा हाल है, खंगी भी नहीं की है कल से और फिर से चेहरा भी अभी तक धोए नहीं है। ये तो कैमरा की वजह से क्लीन दिख रहा है। और देख सकते हो हमें रानी मेहंदी लगा दी है, देख सकते हो इधर अभी भी हाथ में मेहंदी है, दोनों हाथ में, ये राइट लेफ्ट है और ये 1 मिनट टिक भी नहीं रहा है। देख सकते हो मेहंदी बहुत सुंदर लगाई है, देख सकते हो। और इस तरफ भी कल हम लोग बहुत दूर जा रहे, मुर्गा महादेव मतलब नाव मुंडी जा रहे बाबा पूजा करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, आप लोग अगर जाना चाहते तो आज हम लोग के पास में आप लोगों को भी लेके चलूंगी और बहुत मजे करेंगे हम लोग सब मिलके। और क्या ही बोलूं, तुम बोल दो। तो फ्रेंड, देख सकते हो रानी भी मेहंदी लगाई है, देखो अपने खुद से लगाई है, देखो अच्छी लग रही है ना। दीदी बोलती है कि कहाँ से सीख के आते हो और हम तो मोबाइल से सीखते हैं। मोबाइल से देखती है, कॉपी कर लेती है सच में, मोबाइल में देख के देखो। अच्छा है कि एक तरफ से इंटरनेट का जमाना है तो चलो हम लगा लेते हैं हाथ में। कितना सुंदर लगाई है देखो, इधर भी तो कल रात को लगाए थे। गाइस, मेरा पति प्यार हमको कम करने लगा, इसलिए कम हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। तो हम कहेंगे कि मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा रानी एंड सीमन को, थोड़ा इंस्टाग्राम में सपोर्ट करो आप लोग मिलके। और वीडियोस में डेली डालती है ना, डालना चालू है डेली। तो गाइस, कल से ब्लॉग मजेदार आएगा। अरे बाबू हाय बोल दो बेटा, अरे हाय बोलो, हाय बोल, भाग गया तानिया और बाबू का स्कूल में एडमिशन हो गया, तो डेली सुबह स्कूल जा रहा है। 5 बजे उठ के ब्रश व्रश करके स्कूल जा रहा है रेडी होके। मैं आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ, मैं कल तो नहीं, जब मैं उधर से घूम के आऊँगी उसके बाद दिखाऊँगी आप लोगों को। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना तब तक के लिए और हमारे को सपोर्ट करना, और नहीं करने के मैंने तो कोई बात नहीं क्योंकि मैं कोई किसी को रिक्वेस्ट नहीं करूँगी। क्योंकि दीदी अभी थोड़ा यूट्यूब इंस्टाग्राम तो छोड़ ही दिया, शायद यूट्यूब भी छोड़ेगी, पता नहीं क्या होगा, क्या करें। हम कहते दीदी को किसी के बहकाव पे मत जाओ, दीदी बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं, ये इतना कुछ सुनने के बाद नहीं रहना चाहती बोल रही है अभी यूट्यूब पे। अभी आप ही बताइए, इनको समझाइए थोड़ा। लेकिन मैं कल एक वीडियो देखी जो नेहा दीदी ने बोला मुझे, तो थैंक यू सो मच नेहा दीदी, जो एक औरत हो के औरत को मेरे को समझे आप, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें बताया पूरे बात, अगर आप पहले मुझे बता देते तो मैं इतना प्रॉब्लम नहीं सोचती नहीं सोचते। और मैं डिप्रेशन में भी नहीं जाती, मैं कल बहुत ज़्यादा ना मतलब परेशान हो गई थी दीदी, मैं मतलब अपने अपना मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर जाऊँ, कुछ कर लूँ, इसलिए हम दीदी को बिल्कुल अकेला छोड़ ही नहीं रहे। वो काम पे जाएगी तो भी हम काम पे साथ जा रहे हैं, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ पीछे पीछे भाग रही है मेरा, बहुत डिप्रेशन ले रही है तो दीदी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा अकेले। तो थैंक यू दीदी, नेहा दीदी थैंक यू सो मच, और रियलिटी बताने के लिए और सच्चाई बताने के लिए थैंक यू। हम आपको गलत सोचे थे लेकिन अब मेरा मन में आपके लिए कोई पाप नहीं है, कोई मुझे ये नहीं है, कोई गलत फहमी नहीं है, थैंक यू। अब पहले अगर ये बता देते ना तो मैं आपके बारे कुछ भी नहीं बोलती और मैं कभी बोलूँगी भी नहीं और आप लोगों के बारे में ब्लॉग भी नहीं बनाऊँगी। बस मैं थैंक यू बोलने के लिए ब्लॉग बना रही थी आपको, थैंक यू सो मच कि आपने भी आपने मेरे ब्लॉग देखते हो, आपको आप बोले कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगता है, थैंक यू। ऐसे हमें सपोर्ट देते रहना दी। और इधर हम लोग को प्यारा सा बाबू नन्ना मुन्ना रही है, देश का सिपाही है। हाय बोल दो बेटा, हाय बोल। आप लोग कैसे हो, आप लोग कैसे हो,
आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बोलो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बोलो और बोलो कि आप लोग खाना खा लिए। अभी गुदलू खाना खा के आया। क्या खाया बेटा? खिचड़ी। और हम लोग घर में हमारे हस्बैंड बनाए आलू पोस्तू का सब्जी, सबसे टेस्टी। चलो हम दिखाते हैं क्या बनाए हैं। देख लो गाइस क्या बनाए हैं मेरे हस्बैंड। देख सकते हो आलू पोस्ते कितना टेस्टी दिख रहा है। आलू पोस्ते का सब्जी बनाया है और बहुत गंदा पड़ा फ्रेंड। मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, देख सकते हो पूरा घर गंदा पड़ा। तो हम लोग शाम को पूरा कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, घर को साफ करना है। आज जो भी करना आज ही करना हम लोग को, कल से हमारा। और हम लोग को मतलब शाम को हम लोग बेगू में जो प्लास्टिक लेके जाना, क्योंकि बहुत दूर पैदल भी चलना है हम लोग को, बहुत दूर मतलब कम से कम 3-4 घंटा पैदल हम लोग का है जो मंदिर। ऐसे तो ट्रेन में हम लोग नाव मुंडी में उतरेंगे, नाव मुंडी से उसके बाद हम लोग जो चलेंगे 4 घंटा मतलब रात का, हम लोग 1-2-3 बजे रात को पहुंचेंगे हम लोग वहाँ पे, कल सुबह ट्रेन में। और परसों तो लास्ट सोमवार है और रक्षाबंधन भी है, तो इसीलिए सब इंजॉय करो और हम भी इंजॉय करें। आपसे कोई गिलेक्सी कोई नहीं, आपसे फ्रेंड, हम सब फ्रेंड। तो ऐसे ही हमारे को सपोर्ट करते रहो, मन करे तो, नहीं करे तो कोई बात नहीं। और यहाँ का मौसम देख सकते हो पूरा बारिश हो रही, सुबह से बारिश हो रही है। और हमारे मेहंदी कैसी लगी बताना, अभी जा रहे हम दो वीडियो में डालेंगे, बनाएंगे गाना शॉर्ट का मेहंदी, देख सकते हो। तो बाय बाय फ्रेंड, मैं जा रही हूँ अभी, मैं थोड़ा काम करूँगी घर का, और हम घर का काम है हम लोग का, और मेहंदी भी छुड़ा लेते, बहुत देरी हो गई, सूख गया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, ना पसंद आए तो मत करना, और बेल आइकन घंटी जरूर दबाना, ठीक है। और आपका प्यार हमारे ऊपर ऐसे बने रहे और ऐसे सपोर्ट देते रहो, बाय। तो गाइस देख सकते हो हमारी यहाँ बारिश हो रही है फिर से, बहुत छोटी थोड़ी थोड़ी पानी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं। और ये चीनी पानी लगा रही है, देखो क्या और गहरा लाल हो। और सीमल जी से बात कर रहे हैं गाइस, सीमल जी से बात। सीमल जी, ओ सीमल गया है मम्मी के घर, मम्मी को लाने के लिए, मतलब लाने के लिए, हाँ लाने के लिए बोलो। जब आएगा फिर हम लोग उसी के साथ ना जाएंगे हम लोग, इसी वजह से क्या ही बोले, बताओ फ्रेंड। अभी गया और बात भी चालू हो गया फोन पे। पहुँच गया हो? नहीं पहुँच, फोन की थी, बस में है अभी फिलहाल, मम्मी को लाने गया है, हम लोग जाने के लिए रेडी है ऑलरेडी। और ये देख सकते हो पूरा चीनी पानी में पूरा चीटी इतना सारा घुस गया, देख सकते हो दुनिया का चीनी चीटी सब है। और इसी को लगा ली, अरे चढ़ेगा ना, मैं तो सूख गया शायद, पूरा सूख गया मेरा भी, अभी हम भी धो देंगे। तो बने रहो तब तक।